दोस्तों आप भी अगर पेटीएम यूज करते हैं तो पेटीएम में अगर आपके पास जो बैलेंस कैशबैक में मिला है वो अगर फ्यूल वॉलेट बैलेंस में आ गया है उसे आप बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हो तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपना फ्यूल वॉलेट बैलेंस को बैंक में किस तरह से ट्रांसफर कर पाएंगे। और दोस्तों अगर आप न्यू यूजर है आपको पता नहीं कि पेटीएम का किस तरह का बैलेंस होता है तो मैं आपको इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में समझाता हूं और जो प्रकार का बैलेंस होता है उसको आप किस तरह से बैंक में ट्रांसफर करेंगे उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों पेटीएम में आप देख सकते हैं एक नॉर्मल बैलेंस होता है। अगर आपके पास यहाँ पे नॉर्मल बैलेंस में मुझे ₹437 शो कर रहा है तो अगर आप पेटीएम का फुल KYC अकाउंट कर चुके हैं KYC आपका पूरा हो चुका है तो आप इस ट्रिक के हेल्प से नॉर्मल बैलेंस को कभी भी बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं जो आपको पहले से पता होगा। अगर आपके पास फुल KYC अकाउंट नहीं है तो पेटीएम का फुल KYC अकाउंट किस तरह से कर सकते हैं, अभी फुल KYC स्टार्ट हो चुका है तो इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, मैंने उस वीडियो में बताया तीन प्रोसेस, तीनों प्रोसेस के हेल्प से आप अपना पेटीएम का फुल KYC कर सकते हैं तो इस प्रोसेस को देख लीजिएगा आपका फुल KYC हो जाएगा। तो बात करते हैं दोस्तों मेन जो टॉपिक है कि फ्यूल वॉलेट बैलेंस को किस तरह से ट्रांसफर करेंगे तो मैं आपको लाइव करके दिखाता हूं। सबसे पहले मैं अपना नॉर्मल बैलेंस को ट्रांसफर करके दिखा देता हूं। यहां पे देख सकते हैं मेरा ₹437 है तो आपके पास अगर पेटीएम में नॉर्मल बैलेंस है उसको बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हो तो आप सिंपल सा सर्च वाले बटन पर आएंगे, वहां से वॉलेट टू बैंक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे ₹437 है तो मैं यहाँ से ₹437 सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद प्रोसेस पे क्लिक करता हूँ। प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद आप इसमें अपना बैंक ऐड कर सकते हैं अगर फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं तो, मैंने ऑलरेडी इसमें ऐड करके रखा है। यहाँ से आप जाने के बाद यहाँ से प्रोसेस करेंगे तो आपका जब भी नॉर्मल बैलेंस है अगर पेटीएम का आपका अकाउंट है उसमें अगर नॉर्मल बैलेंस है तो इस तरह से आप अपना पेटीएम का कभी भी अपना नॉर्मल बैलेंस को बैंक में ट्रांसफर कर पाएंगे। बट यहाँ पे प्रॉब्लम आता है फ्यूल वॉलेट बैलेंस को और गिफ्ट कार्ड बैलेंस को। गिफ्ट कार्ड बैलेंस को ट्रांसफर करने के लिए दोस्तों आपको किसी भी मर्चेंट का हेल्प लेना है, अदरवाइज आप कहाँ कहीं भी किसी अदर UPI पे आप सेंड कर सकते हैं, किस तरह से मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों मेन टॉपिक आज है, बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं क्योंकि उनको फ्यूल वॉलेट बैलेंस को ट्रांसफर करना है तो मैं यहाँ से फ्यूल वॉलेट बैलेंस को ट्रांसफर करके दिखाता हूँ। दोस्तों आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि पेटीएम का फ्यूल मर्चेंट अकाउंट बनाने के लिए, उस समय बहुत सारे लोग बनाए थे बट उन सभी लोगों का पेटीएम का फ्यूल मर्चेंट अकाउंट ब्लॉक हो चुका है। बट जो नंबर आपका ब्लॉक हो चुका है उस नंबर पर आप नॉर्मल बैलेंस, यहाँ पे आप देखिए मेरे पास एक और मोबाइल है, मैं यहाँ पे चल के मैं रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास जो ₹5 इसमें अगर नॉर्मल बैलेंस जो आप इस मोबाइल में था उसको मैं आपको नॉर्मल बैलेंस में ला के दिखाऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों इसमें नॉर्मल बैलेंस में अभी मेरा ₹2 है तो यहाँ से मुझे करना है क्या दोस्तों, मेरा इसमें अगर फ्यूल वॉलेट बैलेंस है तो फ्यूल वॉलेट बैलेंस में यहाँ पे मेरा ₹5 इसको बैंक में ट्रांसफर करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप लोगों को भी अगर ट्रांसफर करवाना है तो आपको सिंपल सा एक नंबर मैं दे रहा हूँ उस नंबर पे आप ट्रांसफर करेंगे तो आपका बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक नंबर है जिससे मैंने बहुत दिन पहले पेटीएम का फ्यूल मर्चेंट अकाउंट बनाया था बट मेरा मर्चेंट ब्लॉक हो चुका है, बट इस नंबर पर मैं पेमेंट करने जाऊंगा तो यहाँ पे फ्यूल वॉलेट वाला ऑप्शन मुझे दिया जाएगा। तो मेरे यहाँ पे देख सकते हैं मुझे ₹5 बैलेंस, तो मैं यहाँ से पेड करने का ऑप्शन पर जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे ₹5 शो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ मेरा दोस्तों, फ्यूल वॉलेट बैलेंस भी ट्रांसफर करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। तो आप इस ट्रिक को हेल्प ले सकते हैं और यहाँ से देख सकते हैं मैं जैसे ही यहाँ पे बैलेंस पे पे करूंगा तो मेरा जो फ्यूल वॉलेट बैलेंस था वो मैं यहाँ पे नॉर्मल बैलेंस में आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अभी ₹2 शो कर रहा है, यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा मैं तो यहाँ पे ₹7 हो जाएगा। तो आप इसी तरह से आप दोस्तों आपके पास जितना भी फ्यूल वॉलेट बैलेंस हो आपको बस इसी नंबर पर पेड करना है और इस नंबर पर पेड करेंगे दोस्तों आपको कॉन्टेक्ट कर लेना है अगर आपको भी अपना बैलेंस ट्रांसफर करवाना है। आपके पास अगर पहले से फ्यूल मर्चेंट अकाउंट नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ₹7 हो चुका है, मेरा बैलेंस नॉर्मल बैलेंस में ₹5 आ चुका है। अब नॉर्मल बैलेंस में आ जाने के बाद मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि किस तरह से बैंक में ट्रांसफर करते हैं, तो इसमें ₹50 अगर आप मिनिमम पूरा लेते हैं तो यहाँ पे वॉलेट टू बैंक ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना बैलेंस को बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों आप अपना फ्यूल वॉलेट बैलेंस को बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। आशा करता हूं कि इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आप कर सकते हैं। और आपके पास अगर पहले से मर्चेंट अकाउंट नहीं था जो ब्लॉक हो चुका है, आपके पास कोई ऐसा नंबर नहीं है जिस पे आपका फ्यूल वॉलेट बैलेंस ट्रांसफर हो रहा है, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आपका जितना भी बैलेंस है मैं आपको बैलेंस को ट्रांसफर कर दूंगा। बट उसके लिए आपको कुछ चार्जेस भी पेड करना पड़ेगा जो आपको डिस्कस कर लिया जाएगा, आप जिस समय अमाउंट सेंड करेंगे उस समय आपसे डिस्कस कर लिया जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि दोस्तों आप भी अपना जितना भी फ्यूल वॉलेट बैलेंस है उसको बैंक में ट्रांसफर कर लेंगे जो ट्रिक मैंने बताया उस ट्रिक से। अगर नहीं हो पाता है तो आप मुझसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा जिससे दोस्त भी अपना फ्यूल वॉलेट बैलेंस को बैंक में ट्रांसफर आसानी से कर पाए। थैंक यू सो मच।